चैप्टर इलेवन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर फोर में जो चीज़ें हैं छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो बाकी बच्चे एकदम पहले देखी थी उसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम में आपके देखा था इसके सीक्वेंसेस कीवर्ड्स ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हम कवर करेंगे। अच्छा जी, आपको पता है सी लैंग्वेज जो है बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल कंसिडर किया जाता है बिकॉज जो है ये बिल्कुल उसी तरह से आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं जिनको हमें लर्न करना बहुत आसान होता है। अब नेक्स्ट चीज जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ सी में देखा था आपके पास डायरेक्टिव्स हैं उसके बाद आपके पास ग्लोबल डिक्लेरेशन थी यहाँ पे और यहाँ का क्या रहता है ये पूरा मेन का प्रोग्राम आ जाता है और अदर फंक्शन आ जाते हैं। देखिए अभी जो हमने लास्ट चैप्टर का डिस्कस किया फंक्शन है उसमें आपको ये तो पता चल गया कि मेन से बाहर बनता है फंक्शन आपका, सही है? मेन के अंदर नहीं बनता फंक्शन, हमेशा मेन की बॉडी के बाहर बनता है। मेन के अंदर सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग होती है, बाहर वेरिएबल जाते हैं उन्हें ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं। जो भी वेरिएबल में बाहर डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबली यूज किए जा सकते हैं, उन्हें कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टर आपके हेडर फाइल जाएंगे, लाइब्रेरीज जाएंगी, ये सारी चीज़ें और लास्ट आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन जाएंगे नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने पहले डिस्कस की थी। तो आपने अपने पेपर की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ सी बहुत अच्छे से देखना है कि क्या 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 चीज़ें हैं उसके स्ट्रक्चर में। फर्स्ट पार्ट में इसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा था, सही है? डॉक्यूमेंटेशन में क्या था, डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास कॉमेंट्स थे, ठीक है? जो भी आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो आप डॉक्यूमेंटेशन में देते हैं, ठीक। अब डॉक्यूमेंटेशन में कॉमेंट्स आएंगे, एक होता है सिंगल लाइन कॉमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कॉमेंट। सिंगल लाइन कॉमेंट कैसा होता है, ये डबल बैक स्लैशेस आपने लगा दिए, इसके साथ मैं जो भी कुछ लिखूंगी कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा, कंपाइलर जो है आपका कॉमेंट्स रीड नहीं करता। उसे जैसे ये दो लाइन मिलेगी ना वहीं से वो आपकी लाइन इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा रीड करना, ठीक है? इसका मतलब है सिंगल लाइन कॉमेंट। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे आएगा आपका मल्टी लाइन कॉमेंट, और मल्टी लाइन कॉमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं आप, जब आपने मल्टीपल लाइन का अगर आपका कॉमेंट एक से ज्यादा लाइन में जा रहा है, मल्टीपल लाइन में जा रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपने कॉमेंट्स करने होते हैं, कॉमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कॉमेंट और मल्टीपल लाइन कॉमेंट। आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम में आपने देखा था, आपने बहुत अच्छे से देखा था ये कि ऊपर आपने हेडर फाइल लिखी, ऊपर हम एक और हेडर फाइल भी लिखते हैं इसके साथ, क्या हैश इंक्लूड h, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और कर्सर कहाँ आएगा आपका, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, सही है? या आपके पास स्टेट सीक्वेंस कैरेक्टर था, या आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन द प्रोग्राम, सही है? और ये वाली हेडर फाइल क्या करती है, stdio.h, इसका मतलब था स्टैंडर्ड, std का मतलब क्या था स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, यानी जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन अगर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको इसकी जरूरत है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो मेरे पास एरर आएगा क्योंकि सारे फंक्शन की डेफिनेशन मेरे पास मेरी हेडर फाइल के अंदर पड़ेगी, ठीक है? इसमें क्या करना है, किस तरह से करना है, सारी चीज़ें। उसके साथ इसमें एक स्केप सीक्वेंस लिखा हुआ है। मेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में एक फंक्शन लाजमी होता है जिसे मेन फंक्शन कहते हैं। अगर पेपर में मेन फंक्शन पूछा है कि मेन फंक्शन क्या है, तो आप लिखेंगे मेन एंट्री प्रोग्राम जो है होता है, एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, कंपाइलेशन मेन से स्टार्ट होती है। उसके अलावा आपके पास क्या चीज थी, मेन के बारे में आप लिख सकते हैं मेन इज एंट्री पॉइंट, कंपाइलेशन स्टार्ट होती है मेन से, और हर प्रोग्राम में एक फंक्शन लाजमी होता है मेन का फंक्शन। इसके अलावा आपको मैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर और अंदर से बैक स्लैश एन लिखा हुआ है। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बेसिकली इनके थ्रू आप अपने कर्सर की कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बैक स्लैश एन लिखा, बैक स्लैश एन का मतलब था न्यू लाइन, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए कर्सर कहा जाए नेक्स्ट लाइन,
जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ वैसे ही कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया। देखिए ये बैकस्लैश एन जो है सिर्फ कर्सर को कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ से कहाँ लेके जाना है। ठीक है, और कौन कौन से पढ़े थे आपने? टैब पढ़े थे जो एडवेंट्स का डिस्क्रिप्शन कवर कर रहा था, उसके अलावा आपने पढ़ा था कौन सा, और बहुत सारे पढ़े ना आपने, सिंगल कोड डबल कोड, अगर आपने बैकस्लैश प्रिंट करा लिया तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे, उस एस्केप कैरेक्टर के साथ मिला के। एस्केप कैरेक्टर बेसिकली दो कैरेक्टर से मिलकर बनते हैं जिसमें एक बैकस्लैश होता है जिसे आप एस्केप कैरेक्टर कहते हैं, और सेकेंड कैरेक्टर जो है वो रिकग्नाइज कराने के लिए होता है कि मतलब बेसिकली ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एन है, टी है, आर है, कैरेक्टर रिटर्न है, आर, ये सारी चीजें आपके पास क्या है। नेक्स्ट आपके पास दोबारा से एक प्रोग्राम है कॉम्पोनेंट रिटर्न का नेम है डेट। अच्छा देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मल्टीपल लाइन कॉमेंट किया है। आप मल्टीपल लाइन कॉमेंट यानी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है ग्रीटिंग प्रोग्राम है जिसमें आप हेलो कह रहे हैं, और दिस प्रोग्राम डेमोंस्ट्रेट सम इंपॉर्टेंट सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम, कुछ कॉम्पोनेंट्स शो कर रहा है। ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मेन की बॉडी स्टार्ट यहाँ से हो रही है एंड यहाँ पे हो रही है, तो इन्होंने यहाँ पे सिंगल लाइन कॉमेंट भी किया हुआ है, ये मल्टीपल लाइन कॉमेंट। ये देखें अब ये कितने हैं सारे कॉमेंट्स हैं, देखें यहाँ से अब क्या है ब्लॉक ऑफ कॉम, एक पूरा ब्लॉक है जिसको हमने कॉमेंट कर लिया। जो भी ऐसा फर्स्ट टाइम मैं कोड कर रही थी, कोड करते करते मुझे लगा कि भाई ये वाली चीज़ तो अभी हो सकता है मुझे बाद में जरूरत पड़े, लेकिन अभी मैं इसको इसके बगैर रखकर के देखती हूँ, तो मैं क्या करूँगी उस पूरे पार्ट पर कर दूँगी कॉमेंट कर दूँगी ताकि मुझे दोबारा लिखना भी ना पड़े और मेरा जो कंपाइलर है उसको रिव्यू भी ना करे, और अंदर अगर कोई मिस्टेक हो कुछ भी हो उसमें एरर भी नहीं मिलेगा। दिस इज द होल लाइन कॉमेंट, दिस इज द पार्शियल लाइन कॉमेंट। आप किसी लाइन के साथ पार्शियल कॉमेंट भी कर सकते हैं, होल लाइन कॉमेंट भी कर सकते हैं, ए सी बी सी वाई का यहाँ इस्तेमाल है। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर पहले भी देखा था, ऑपरेटर उसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपके पास वैल्यूज असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने क्या कहा था, मेमोरी में आपके पास एक जगह होगी, ठीक है, उसका नाम वो रख देगा ए उस बकेट का, और उसके अंदर वो पुट करा देगा, किसको डाल देगा, फाइव डाल देगा उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से एलोकेशन होती है। इसके अलावा आपके पास ये सारे डाटा टाइप हैं, आपने सारी याद की थी, फ्लोटिंग पॉइंट ड्राइव है, इंटीग्रल है, वॉइड है, बूलियन कैरेक्टर है, इंटीग्रल, ये सारी आपके पास डाटा टाइप्स हैं। इंटीग्रल में आपके पास बूलियन आएगी यानी यस और नो, कैरेक्टर डाटा टाइप आएगी, इंटीजर आएगी, वॉइड कैसे डाटा टाइप है इसका मतलब होता है नथिंग, किसके साथ इस्तेमाल होती है, फंक्शन के साथ इस्तेमाल होती है। इंटीजर आपको पता है इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर एक आपने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल की आई एन टी इंट, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 7। अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू सेव करानी है किसी वेरिएबल में तो मैं उसके आगे क्या डाटा टाइप लिखूंगी, इंटीजर। अगर मुझे कोई फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज करनी है अपने वेरिएबल में स्टोर करवानी है, मैंने लिखा 7.5। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ ए प्लस बी तो इसका आंसर किसमें आएगा, सी में। तो आपको क्या लगता है 7.5 और 7 मिलकर क्या रिजल्ट जनरेट करेंगे, बिल्कुल एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जनरेट करेंगे। तो आप क्या करें, सी जो है वो आप किस टाइप का ले लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का ले लेंगे, एफ एल ओ ए टी, सी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का लेंगे, क्योंकि अंदर का सम जो है वो आपको पता है एक नंबर भी डेसिमल में हो तो नंबर आपका डेसिमल में ही आता है। इंटीजर हो गया, कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में आपने सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना होता है विद इन द, सॉरी कैरेक्टर में डाटा टाइप के सवाल करते हैं आप, कैर ए इज इक्वल्स टू फर्स करें मैंने बी, ये इक्वल्स है भाई याद रखिएगा, ये इक्वल्स टू का साइन बी आपने स्टोर करवा दिया ए के अंदर, ये सिंगल कैरेक्टर है। सिंगल कैरेक्टर अगर आपने स्टोर कराना है यानी कैरेक्टर क्या होता है सिंगल चीज ना, अगर आपने कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो लाजमी है, कैरेक्टर स्टोर कराना है तो लाजमी है कि उसके साथ क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे। ठीक है, अब होता क्या, देखिए अब जो सिंपल प्रोग्राम देख रहे थे ए लिखा बी लिखा सी लिखा, और इस वाले ए को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ कैर को, तो मैं प्रिंट टाइप में फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज करूँ
इसका परसेंटेज सी, और ये वाला बी जो कैरेक्टर है उसमें स्टोर है, ए वेरिएबल है जिसने एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराई है अपने अंदर। मुझे कैसे पता चला कि कैरेक्टर वैल्यू इसको डेटिंग से पता चल गया मुझे, आसान सी बात। तो मैंने यहाँ पे ए जो है वो प्रिंट करा दिया, तो बस आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा अगर मैं ये प्रिंट करवाऊंगी तो। बी प्रिंट होता है क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है बी। इसके अलावा आपने क्या देखा था, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा एक्सचेंज है कैरेक्टर फ्लोट डबल। डबल भी आपके पास किस पे इस्तेमाल होती है, सिर्फ रेंज का डिफरेंस होता है इसमें, सिर्फ रेंज का, सही है। और ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ही स्टोर कर रखी है सब विद द कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड डिक्लेयर किया जाता है डबल। उसके बाद हमने आइडेंटिफायर पढ़ा था, ये चैप्टर 3-4 का पार्ट था। आइडेंटिफायर में क्या था, आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर जिसे कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं रूल्स को जो आप अपने वेरिएबल को नेम करते हो। आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम ऑफ वेरिएबल या नेम ऑफ फंक्शन, इसका क्या जाता है आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आइडेंटिफायर आपको यूनिक होना चाहिए, आप कोई की वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर से हमारी बात स्टार्ट होती है सबसे पहले की वर्ड की। The most important topic according to your exam, ठीक है, क्योंकि मैं आइडेंटिफायर बता रही हूँ इसलिए मैं इसके साथ साथ आपको कीवर्ड्स भी बता दूँगी। ठीक, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आते हैं रिजर्व वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। देखिए जो चीज़ें आपको बता दी करनी है वो आपको एग्जाम के लिए वैसे ही प्रिपेयर करनी है। मैंने आपको सेम सीक्वेंस बताया, एक मैंने आपको कॉमेंट्स बताया कि सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी बताया, थर्ड आइडेंटिफायर है, तो उसमें ही हम कीवर्ड्स भी कवर करेंगे। कीवर्ड्स आपके पास रिजर्व किए हुए हैं, आप उनको एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जैसे घर में एक बंदे का ही एक नाम होता है, हमारे घर में ऐसे कोई दो बंदे नहीं होते जिनका नाम सम्राट ही, सही। तो ये नाम मेरे लिए क्या है, रिजर्व है। इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी कुछ वर्ड्स हैं जो उसके लिए रिजर्व है, वो आप अपने किसी वेरिएबल को नेम करने के लिए, फंक्शन को नेम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, वन फीचर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ योर लैंग्वेज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर अलाउ अस टू नेम द डेटा एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम, ईच आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट इज कंप्यूटर स्टोर्ड इन अ कैनवास। इसके कुछ रूल्स हैं कि भाई आपका जो आइडेंटिफायर है वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, सही है, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा जैसे मैंने लिखा एस यू एम लिखा, ठीक है, या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर एस यू एम, ठीक। इसके अलावा इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, सही है, अगर मैं यू लिखूंगी तो ये भी वैलिड है, लेकिन नंबर्स आ तो सकते हैं लेकिन स्टार्ट या तो अल्फाबेट से हो या फिर वो बिल्कुल जैसे अल्फाबेट से होगा या फिर वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, वो कभी भी आपके पास इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी आपके पास किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और कैन नॉट डुप्लीकेट अ कीवर्ड, आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कीवर्ड्स जैसे हमने आप जितना कवर कर लिया है उतने कीवर्ड बता दिया आपको, आपने वाइल पढ़ा है, डू पढ़ा है, फॉर पढ़ा है, ये सब क्या है कीवर्ड्स, आपको पता है ना कीवर्ड्स आपके आईडीई में वाइट कलर से रिप्रेजेंट होते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि भाई वो कीवर्ड्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था वाइल डू फॉर, इसके अलावा कौन सा है, उसके अलावा है आपके पास ब्रेक कंटिन्यू डिफॉल्ट स्विच, ब्रेक कंटिन्यू डिफॉल्ट स्विच इफ एल्स, इफ एल्स हो गया, और क्या चीजें स्विच हो गया, और बहुत सारे कीवर्ड जैसे ज्यादा चलेंगे और लिखे जाऊंगे, सारे कीवर्ड्स हैं इनको आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, अगर आपके पास आइडेंटिफाई करके आ जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई करके बताएं कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं,
नंबर्स कौन से और डिजिट सॉरी कीवर्ड्स सॉरी आइडेंटिफायर कौन से कैरेक्टर और कौन कौन से इनकैरेक्टर। ठीक है, देखें आपके पास क्या है, आपके पास मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने लिखा 1, 2, 3 सम। मैं आपसे पूछूँ कि भाई ये वैलिड आइडेंटिफायर या इनवैलिड, तो आपके कहेंगे ये इनवैलिड है क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कहूँ S1UN अलाउड है तो आप कहेंगे बिल्कुल अलाउड। अगर मैं लिखूँ ब्रेक, वेरिएबल नेम लिखती हूँ ब्रेक, तो ये आइडेंटिफायर वैलिड है इनवैलिड है, इनवैलिड है क्योंकि आपके पास ब्रेक जो है वो कीवर्ड है। सही है, ब्रेक क्या है आपके पास कीवर्ड है। अगर मैं इस ब्रेक के बी को क्या कर दूं, कैपिटल कर दूं, तो ये मेरे पास अलाउड हो जाएगा क्योंकि आपको पता है सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी क्या है आपके पास, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप इसमें देखिए ये लोअर अपर केस में क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, तो आप नहीं कर सकते इस तरह से कि सॉरी आप कर सकते हैं इस तरह से कि आप अगर कोई भी चीज़ स्मॉल लेटर में कोई कीवर्ड लिखा हुआ तो आप उसको कैपिटलाइज करके आप अपने प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास ये आ गया। दूसरा दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं लिखूँ _1, 2, 3 अलाउड है तो आप लेंगे अलाउड है क्योंकि स्टार्ट में अंडरस्कोर आ सकता है। अगर मैं लिखूँ कैपिटल आई और एफ, इफ जो आपके पास रिजर्व वर्ड है वो इसमें स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, अभी जो मैंने लिखा इसका कैपिटल कर दिया मैंने आई, तो इसका मतलब और इसका मतलब सी के लिए दोनों चेंज है, इसका मतलब मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर ये पूरा स्मॉल में होता ना तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती थी, स्मॉल लेटर्स या लोअर केस आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि सारे सारे ये जितने मैंने लिखे ये वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे लोअर केस पर डिपेंड। तो आपने क्या पढ़ा, आइडेंटिफायर आपके पास की और मैंने स्पेस छोड़ा और मैंने लिखा 1, 2, 3 तो ये भी क्या है, गलत, स्पेस भी अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। एंड आइडेंटिफायर से स्टार्ट होगा लेटर और अंडरस्कोर, या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। नंबर्स आ सकते हैं लेकिन फर्स्ट पोजिशन स्टार्ट में नहीं आ सकते, बाकी कहीं भी बैठा करेगा। इट मे नॉट हैव अ स्पेस और हाइफन, कोई हाइफन कोई स्पेस नहीं आ सकता। अगर मैं लिखूँ सम 1, 2, 3 तो भी क्या है, गलत है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, ये हाइफन है, सेंटर में लेगा वो हाइफन है, हाइफन अलाउड नहीं। नेक्स्ट देखें, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, व्हाई इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिकॉज जो है ये डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द अपर केस एंड द लोअर केस, दैट्स व्हाई सी इज कॉल्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसके लिए ये वाला इफ अभी मैंने आपको बताया, एक कैपिटल आई के साथ लिखा हुआ ये वाला इफ और ये वाला इफ, दोनों क्या है, डिफरेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लें आराम से आपको समझ आ जाएगा। अंडरस्कोर रूल इंट मिन सिस्टम डिफाइंड वैल्यू वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड क्या है, अगर मैं सिर्फ ए लिखूंगी तो वैलिड है बट अपोर्ड्स है, स्टूडेंट नेम अलाउड वैलिड, ए सिस्टम नेम अलाउड, बूलियन सिस्टम आईडी और इंट में ये भी अलाउड है। इसमें डॉलर का साइन यूज करो, डॉलर का साइन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं होता, देन अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है स्टार्ट में या बीच में कहीं भी आ सकता है, लेकिन नंबर्स भी जो आएंगे वो आपके सिर्फ लास्ट में ही आएंगे। टू नेम्स नंबर से स्टार्ट हो रहा है गलत, सम सैलरी हाइफन आ रहा है गलत, इसमें स्पेस आ रहा है तो भी गलत, एंड की वर्ड है तो भी गलत। लेकिन अगर मैं इस एंट को ऐसे इस्तेमाल करूँ ना तो सही, क्योंकि मैंने कैपिटलाइज कर दिया और सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिकॉज ये जो है वो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द अपर केस एंड द। अभी आपके पास कोई डेटा टाइप्स है, आपने जब वो देखा था क्या, जब आपने लेक्चर देखा था तो इसमें मैंने आपको फुल अच्छे से कैलकुलेट करना बताया था आपको, शॉर्ट एंड एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड, ये मतलब
इसके बाइट साइजेस लिखे हुए हैं कि इसका साइज कितना है, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स और 8 बाइट्स, सही। और इनकी मैक्सिमम रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ये साइंड इंटीजर्स आपने देखे थे, अनसाइंड साइंड दोनों। अब देखते हैं आपके पास कैटेगरी, आपके पास इसकी सी इम्प्लीमेंटेशन और टाइप्स, इंटीजर बूलियन है, कैरेक्टर इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास डबल है और रियल में फ्लोट डबल लॉन्ग डबल है, इमेजिनरी में फ्लोट इमेजिनरी है, डबल इमेजिनरी लॉन्ग डबल इमेजिनरी। मगर ये हमारे डेड टैक्स वो हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करते, ठीक। आपको बस यहाँ तक पता होना चाहिए। अब आपके पास वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल क्या होता है, ये है। अब ये कहेंगे ये तो आप आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नेम जो है वो आइडेंटिफायर। अगर मैं पूछूँ वेरिएबल का नेम क्या है तो आप पूछेंगे कहेंगे ए, सही है। अब हो गया ए बी, ए बी सी वन लिख दिया तो ये आइडेंटिफायर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपने वेरिएबल को इस तरह से नेम नहीं दे सकते। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, आपने जस्ट लिखा ए, मैंने लिखा फर्स्ट इंटीजर टाइप का, मैंने लिखा एंड ए और मैंने टर्मिनेटर लगा दिया इसके डिक्लेरेशन के। अगर मुझे इसकी इनिशियलाइजेशन भी करनी है साथ साथ तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल्स टू 5, तो इसकी इनिशियलाइजेशन भी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट ये वेरिएबल वेरिएबल टाइप यानी डाटा टाइप के साथ इसका वेरिएबल आइडेंटिफायर लिखे हुए हैं। देखिए डाटा टाइप के साथ आइडेंटिफायर कौन कौन से वैलिड है, सारे के सारे वैलिड यूज किए हुए इसमें मैंने। ये भी देखें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट आपके पास ये सारी चीज़ें हैं किस तरह से एक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, ठीक। आपको पता है आप इक्वल्स यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, वैल्यूज को असाइन करते हैं। सही है, अच्छा। अगर आपने स्टार्ट में दिया तो आप इनपुट लें उस वेरिएबल में कुछ भी ले, लेकिन आपके वेरिएबल के अंदर अगर आपने इनिशियलाइज पहले नहीं किया तो आपके पास बाद में आपने लाजमी इस्तेमाल कर। अभी सम का प्रोग्राम है, तीन नंबर है इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, और फिर सम है, तीन नंबर का सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी। आपने क्या किया, प्रिंट अप कराया, ये लिखा वेलकम दिस प्रोग्राम, थ्री नंबर एंटर, थ्री नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस 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 एंड एन 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 एंड 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 एंड
ठीक है, आपने क्या करना है, ये सारी प्रिंट लाइन भेज चाहिए। अब मैंने जो लाइन काटी ना उसके अलावा आप बताइए मुझे कि अगर मैं इसका आउटपुट लिखूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा। सही है, जल्दी से आप अपने पास नोट कीजिए इसका आउटपुट और मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जाहिर सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की जो भी वैल्यूज होगी उसको प्लस करेगा और आखिर में क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। थैंक यू मैम, ये प्रिंट, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। ठीक है, वो भी लिखेंगे तो वो भी आ जाए, एंटर नंबर इन द फॉर्म ऑफ एंड ये भी एज इट इज ही आएगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए काट दिया था कि मतलब ना भी लिखे तो खाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स आपके पास, कॉन्स्टेंट्स किस तरह के होते हैं, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल कोट भाई आपको पता है, अगर आप किसी चीज़ का लिख देंगे तो वो वर्ड इसकी वन एस टी लिख देंगे, तो ये भी एक ही वर्ड है और ये क्या है, किस रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको आप चेंज नहीं कर, इसमें चेंजेस आना। ये सारे आपके पास कंट्रोल कैरेक्टर्स आ गए, यानी आपके पास आ गए ये सारे के सारे स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जिनकी हम बात कर रहे थे, जो पर्सनल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैरेज रिटर्न फ्रॉम नीड वर्टिकल टैग नीड हॉरिजॉन्टल टैग, ये सारे क्या है आपके पास, सारे के सारे पास स्केप कैरेक्टर हैं, जिसको हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस किया। अभी कुछ कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं, सम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। अच्छा, कैरेक्टर्स पर मैंने कैरेक्टर बताया था, अगर सिंगल कोटेशन में इंक्लोज है तो कैरेक्टर, अगर डबल कोटेशन में इंक्लोज है तो क्या होगी वो स्ट्रिंग, मतलब आपको यही वही चीज आपको बताई वही लिखी हुई है। ये मैंने इसमें डिफाइन कर दिया, मेमोरी कॉन्स्टेंट है डिफाइन बाय, इसमें इक्वल सिंपल साइन नहीं लगता सेमेंटली, बट जिस स्पेस देखे आपने इस तरह से लिखना होगा, जहाँ जहाँ बाय हुआ वो फिर प्रोसीजर डायरेक्टर इसकी वैल्यू होगा कॉपी कर दी, जैसे ये लिखा
पाई यहाँ आ जाएगा। कॉन्स्टेंट सी ऑन एस टी का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक, ये सारी चीजें आपके पास फ्रेंड वगैरह पे होगी जो जाते हैं। अब इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले डेटा टाइप से याद करनी है, सही। उसके बाद आपने याद करना है इसमें वॉइस और ये सब तरह लैंग्वेज। इसके अलावा कीवर्ड फिर रिजर्व वर्ड्स लास्ट में करना है। आपको पता है कीवर्ड्स क्या है, आपके पास रिजर्व वर्ड है जो जिसके अपने कुछ मीनिंग हैं सी में, और वो तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अगर आपको इस्तेमाल करना है आइडेंटिफायर, तो आपने क्या देखा था कि आप उसको कैपिटलाइज करके यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कर्सर कंट्रोल का काम होता है, दो कैरेक्टर्स कंसिस्ट करते हैं, तो सिंगल एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। और स्टार्ट होता है स्केप कैरेक्टर या बैक स्लाइड से, दूसरा कोई भी कैरेक्टर होता है जिसको रिकॉग्नाइज कराता है कि उसने किस तरह का काम करता है। कॉन्स्टेंट वैल्यू इज मोर जो ड्यूरिंग प्रोग्राम, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करेंगे तो ऐसा करेगा वो चेंज नहीं होगा। उसके अलावा आपके पास रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर से आपको क्वेश्चन होता है, दो मैंने आपके पास प्रोग्राम बताया आपको, एक आपका कॉन्स्टेंट से रिलेटेड था वो भी आपने देखना है, आपके प्रोग्राम में आ जाए और एग्जाम में आ जाए, अपने इसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैं अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आपसे